सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए आपको कोई फैंसी डिग्री, हाई आईक्यू या लक की जरूरत नहीं है। आपको बस इन्वेस्टिंग की बेसिक नॉलेज और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। और अगर आप ये चीज करते हो तो आप इजिली स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। ये बुक रीड करने में थोड़ी बोरिंग है, लेकिन ट्रेडिंग की दुनिया में इसको बाइबल कहा जाता है, क्योंकि इसके हर एक पेज पर टाइमलेस लेसन है जो आपकी ट्रेडिंग की जर्नी को और भी ज्यादा आसान बना देती है। अगर आप ये जानने आए हो कि मैंने $2 मिलियन कैसे कमाया, तो ये वीडियो बिल्कुल भी वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में 4 ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन बताऊंगा जो आपकी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी को और भी ज्यादा इंप्रूव कर देगी। ये बुक मैंने 2 बार पढ़ी है, एक बार खुद समझने के लिए और दूसरी बार आप लोगों को समझाने के लिए। और दूसरी बार पढ़ने के बाद मुझे 4 ऐसे लेसन मिले जो शायद आपकी ट्रेडिंग की नॉलेज को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देगी और आप भी अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो। सो पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सो स्टार्ट करते हैं। निकोलस डार्वस, जो कि एक प्रोफेशनल डांसर थे और स्टॉक मार्केट का उनको कुछ भी नॉलेज नहीं था, और ट्रेडिंग से उन्होंने कुछ ही सालों में $10,000 को $2 मिलियन में बदल के रख दिया, जो कि इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद होता है लगभग $12 मिलियन और इंडियन करेंसी में होता है 120 करोड़। और यही चीज देख करके सारे लोग उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखना चाहते थे, तो उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हाउ आई मेड $2 मिलियन इन द स्टॉक मार्केट। इसमें निकोलस ने लर्निंग और ट्रेडिंग सीक्रेट्स हमारे साथ शेयर किया है और अपने यूनिक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, जिसे हम डार्वस मेथड कहते हैं, वो भी बताया है। तो सीधा पॉइंट पर आता हूँ। लेसन नंबर 1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर विनर रन्स। स्टॉक मार्केट में एक कहावत है कि यहाँ पर आप प्रॉफिट को लेकर के हार नहीं सकते हो, यानी ज्यादातर लोग जल्दबाजी में बिना प्रॉपर सिस्टम के हिस्सा करके छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पास्ट एक्सपीरियंस से ऐसा लगता है कि कहीं ये प्रॉफिट लॉस में ना बदल जाए, और इसलिए वो लॉस वाले स्टॉक्स को होल्ड करके रखते हैं इस उम्मीद में कि ये लॉस वाला स्टॉक्स मुझे फिर से प्रॉफिट देगा, और वो सिर्फ प्रॉफिट में ही बुक करेंगे। और इसी कारण से ज्यादातर लोग अपने प्रॉफिट को जल्दी बुक कर लेते हैं, और यही वजह है कि लोग ट्रेडिंग में आते ही एक साल में अपना सारा पैसा लॉस कर देते हैं। और गूगल के हिसाब से 90% लोग अपने ट्रेडिंग में पैसा गवा देते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में किसी भी ट्रेड के 4 आउटकम होते हैं, पहला बिग विन, दूसरा स्मॉल विन, तीसरा स्मॉल लॉस, चौथा बिग लॉस। जो बेस्ट ट्रेडर होते हैं वो इन 4 आउटकम में से पहले 3 आउटकम हमेशा जीतते हैं, लेकिन न्यू ट्रेडर बिग को छोड़कर बाकी 3 आउटकम्स जीतते हैं, मतलब बिग विन को अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा वाइप आउट हो जाते हैं। हमें ट्रेडिंग में हमेशा बिग लॉस को अवॉइड करना चाहिए, बाकी के 3 आउटकम्स तो ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। बिग लॉस को अवॉइड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस को डिसाइड करना, जिसमें आपकी ट्रेड रॉन्ग डायरेक्शन में भी जाती है तब भी आप स्मॉल लॉस के साथ बाहर आ जाते हो। कोई भी बिग लॉस आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को डिसाइड करके आप अपने विनर्स को अच्छे से राइड कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे आपका प्रॉफिट बढ़ता है वैसे वैसे आपका स्टॉप लॉस भी बढ़ता है, इसलिए इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कहते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हेल्प से आप अपने विनिंग चांस को एंड तक राइड करते हो, और जब ट्रेंड रिवर्स हो जाए तो आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की हेल्प से ट्रेंड से बाहर आ जाते हो। और स्टॉप लॉस कम से कम इतना गैप पर रखना चाहिए जिससे आपको स्टॉक में अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन ट्रेड से बाहर ना कर दे। लेसन नंबर 2, बी इन द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो जरूर कुछ लोग ऐसा कुछ जानते हैं जो आप नहीं जानते हो और इसे अपने प्रॉफिट के लिए बढ़ा रहे हैं, तो आप भी टेक्नो फंडामेंटल टेक्निक का यूज करके आप प्रॉफिट कर सकते हो। ये टेक्नो फंडामेंटल ये बताता है कि अगर कोई भी स्टॉक्स बढ़ रहा है और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो आप उसको बाय कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको उस स्टॉक्स का फंडामेंटल रीजन जानना होगा। अगर सिंपल और क्लियर वर्ड में बोलूं तो आपको कभी भी किसी स्टॉक्स को एकदम लो पर और एकदम टॉप पर बाय नहीं करना है, क्योंकि आपको नहीं पता वो कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। इससे निकोलस ये बोलते हैं कि मैंने कभी भी कोई स्टॉक्स को एकदम लो पर बाय नहीं किया और ना ही टॉप पर सेल किया, क्योंकि कोई भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि इसका हाई एंड लो कितना जाएगा। लेसन नंबर 3, बी अनबाइज्ड। किसी भी स्टॉक को सिर्फ इसलिए बाय नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि इससे प्रॉफिट बन जाएगा या अब ये ऊपर जाने वाला है, क्योंकि निकोलस बोलते हैं कि देयर इज नो एंड गुड बैड स्टॉक्स, देयर आर ओनली राइजिंग एंड फॉलिंग स्टॉक्स। मतलब ये है कि सिर्फ ऊपर बढ़ने वाले स्टॉक्स अच्छे होते हैं और नीचे गिरने वाले स्टॉक्स बुरे होते हैं। किसी भी स्टॉक्स को बढ़ता हुआ देख करके उसको हाइप में बाय नहीं करना चाहिए। और सेम चीज वॉरेन बफेट भी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट इज ए बिजनेस, फाइंड आउट व्हाट इट इज डूइंग। मतलब आपको कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी की रिसर्च, कंपनी की अंडरस्टैंडिंग पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो सेट कर दिया है, आप वहां से सीख सकते हो। लेसन नंबर 4, टिप्स एंड एडवाइस नेवर वर्क्स। वो बोलते हैं, मैंने अपनी लाइफ की पहले ट्रेड में 6000 शेयर्स खरीदे थे, वो भी बिना किसी नॉलेज के, जिसमें उनको $8,000 का प्रॉफिट हुआ था, वो भी टिप्स के बेसिस पर। और उसके बाद मुझे लगा इससे अच्छा प्रॉफिट बनाने का तरीका हो ही नहीं सकता है, मुझे ये पहले क्यों नहीं पता था। और उसके बाद मैं हर किसी से स्टॉक टिप्स के लिए पूछता और जो वो कहते थे वो मैं बिना सोचे समझे बाय कर लेता था। मैंने टिप्स के लिए अपनी ब्रोकर से लेकर के एडवाइजरी सर्विस तक सब कुछ ट्राई किया, लेकिन फिर भी मेथड वर्क नहीं किया। एक दो ट्रेड में मुझे प्रॉफिट होता और उसके बाद अगले ट्रेड में एक बड़े लॉस के साथ मैं सारा कैपिटल लूज कर देता, और वो कहते हैं ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और लगभग नए ट्रेडर भी यही करते हैं, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके या फिर यूट्यूब ऐड से दिखाए गए फेक चीजों पर बिलीव करके या फिर इधर उधर के टिप्स से स्टॉक ट्रेड करते हैं, लेकिन इससे कभी भी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं बन पाएगा। अगर खुद का कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाना है तो आपको खुद का ट्रेडिंग सिस्टम बनाना होगा। तो यही थे कुछ 4 इंपॉर्टेंट लेसन जिससे आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए गुड डे।